नमस्कार दर्शक बंधु, मैं सोमेन और आज है आपको दिखाना है मैंने एक जो पाइट का पेयर खरीदा था उसका फीमेल में थोड़ा प्रॉब्लम था। ये मेल मैंने परचेस किया था तो इसकी जो फीमेल में प्रॉब्लम थी इसके कारण मुझे वो फीमेल को सेल करना पड़ा था और एक नया ऑफलाइन का फीमेल मैंने लिया है इस पाइट के साथ। इस पाइट जो लबर्ड है पाइट रोजी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी मार्किंग के साथ मौजूद है ये और बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैंने सोच रहा था कि पाइट का एक फीमेल लू या लुटिनो का लू या फिर नॉर्मल एक रोजी का या ऑफलाइन लुटिनो का या कोबाल्ट रोजी का बहुत सारे सोच रहा था। तो मुझे ये देखा मैंने बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। हल्का बॉडी इसका येलो है और इसका हेड जो है कि ऑफलाइन और ऑरेंज हेड में है। बेसिकली रेड हेड में होता तो अच्छा होता बट रेड हेड में मुझे इसी एज के साथ ऐसा खूबसूरती के साथ नहीं मिल रहा था। मार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसकी मार्किंग ठीक थी मैंने इसे परचेस कर लिया एक दोस्त से और लगता है ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो पाइट का जो फीमेल था बेसिकली मैं वो चेंज करना नहीं चाहता था लेकिन उस फीमेल में प्रॉब्लम थी फीमेल का में बहुत ज़्यादा तो इसलिए मुझे वो चेंज करना पड़ा और चेंज करके मैंने इन दोनों के साथ पेयरिंग किया है। तो बेसिकली अभी तो लवबर्ड का ब्रीडिंग सीजन नहीं है, ऑफ सीजन है ये बेसिकली। तो मैं इनका कोई भी ब्रीडिंग का जो बॉक्स या मर्ची कुछ भी लगाना नहीं चाहता। ये जब तक ले टाइम ले फूड खाए अच्छी तरह से, ठीक है। एक डेढ़ महीना टाइम है अभी बरसात की मौसम आने तक का। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ जाएगी कुछ दिन बाद तो गर्मियाँ थोड़ी सी कम होने के बाद इसको मैं बॉक्स लगा दूंगा तब आपसे वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। और अगर मुझे लगा कि बीच में कि इसका मेटिंग चल रहा है या फिर ये फीमेल अंडों पे है तो मैं बॉक्स समर में ही बीच में लगा दूंगा। बेसिकली ये तो बस इंजॉय कर रहे हैं, खेलते कूदते हैं और खाते पीते हैं। पेयरिंग इनका तो हुआ नहीं अभी, देख के तो लगता नहीं है। लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और ऑफलाइन के ये जो फीमेल का ऑरेंज हेड का था ये अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसके लिए भी एक लाइक ज़रूर करना। और बेसिकली आप केस देख सकते हैं, ये जो केस है बेसिकली ये लुटिनो का केस था मेरा। मैंने जो लुटिनो था मेरा लुटिनो का पेयर इस केज में मैं रखता था तो क्या हुआ कि इसका एज कम था। जनवरी के एंड तक उसे ब्रीड कर लेना चाहिए था, तब तक इसका एज कंप्लीट हो जाता, 7 से 8 महीने नॉर्मल रोजी लबर्ड ब्रीड कर लेता है। बट लुटिनो थोड़ा सा टाइम लगा था मैं जानता हूँ बट फिर भी उसने ब्रीड नहीं किया था तो और भी उसे 5-6 महीने रखना पड़ता था। तो इसलिए मैंने इस बढ़िया साइज का केज से उसे हटवा के एक छोटे केज में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ऑफ सीजन है बेसिकली छोटे केज में रहे और मैं देखता हूँ केज का बंदोबस्त करता हूँ, वैसे लुटिनो को बड़े केज में रख दूंगा और भी कुछ लुटिनो खरीद के लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं इस लबर्ड को इस लुटिनो के केज में रखा है, बहुत बढ़िया साइज है केज में। हाँ तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी है और उत्तेजित है, बहुत अच्छी तरह से हमेशा इधर से उधर, इस पर से उस पर और इससे यहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से ये हैप्पी है। मेन बात है कि इस बर्ड को आपको हैप्पी रखना है, ठीक है। आप केज में रखिए या बाहर रखे खाई पर भी रखे हैप्पी रखिए, अच्छा अच्छा फूड दीजिए। और ऑफलाइन प्राइस की अगर बात की जाए तो ऑफलाइन का ये जो फीमेल ये भी बहुत महंगा मुझे खरीदना पड़ा है। नॉर्मली जो रेड हेड का ऑफलाइन होता है लुटिनो में वो 3,500-3,500 का पेयर मिलता है और अगर ऑरेंज हेड में है तो 2,500 का पेयर मिलता है आपको। और अगर आप एक सिंगल पीस ब्रीडिंग एज का मतलब जो ब्रीड करने वाली है ऐसा फीमेल या मेल आप लेते हैं बढ़िया साइज का एक सिंगल पीस पेयर नहीं लेते तो आपको और भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा ये। और पाइट के साथ मैंने इसका पेयरिंग किया है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि बच्चा जो होगा क्या होगा, नॉर्मल लुटिनो होगा या ऑफलाइन होगा या पाइट होगा, तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं लबर्ड से रिलेटेड वो एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है, एक्सपर्ट कोई दोस्त है जो लबर्ड का ब्रीडिंग करवाता है तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा कि इस तरीके से जो पेयरिंग कराते हैं लोग जैसे कि मैं करा रहा हूँ ऑफलाइन के साथ एक पाइट का, दोनों ही बेसिकली रोजी ग्रुप में तब भी मैं ब्रीडिंग करा रहा हूँ तो बच्चे जो निकलेंगे वो कैसे होंगे, कोई खच्चर टाइप कंडम टाइप बच्चा तो नहीं हो जाएगा या फिर जो बच्चे का जो कलर होगा वो कैसा होगा ज़्यादातर
अगर ऑफलाइन में आता है बच्चा 60% या 70% तक तब भी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बहुत ज़्यादा हैप्पी होऊंगा मैं। अगर पाइड में भी आता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पाइड का एक पेयर बच्चा अगर आप सेल करोगे तो आपको नॉर्मली जो है कि 2500 से 2000 का मिल जाता है छोटे बच्चे सेल करने में, और बड़े बड़े अगर होंगे तो 3000 से ऊपर तक चल जाएगा मार्केट में जब आप सेल करने जाओगे तो। और अगर नॉर्मल रूटीन होगा तो तब भी कोई बात नहीं है। अगर बच्चे कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, कौन से कलर होते हैं, देखते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे होने के बाद मालूम चलेगा। अगर कोई लवबर्ड का एक्सपर्ट बंदा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा कि इस तरीके से जो पेयरिंग करते हैं उसका बच्चा कैसा होता है, ज़्यादातर बच्चे कौन से लाइन में आते हैं, साइड में या नॉर्मल लुटिनो में या ऑफलाइन में, या फिर नॉर्मल रोजी की तरफ चल जाता है, ठीक है, या फिर कोबाल्ट रोजी ऐसा कुछ ग्रुप में आ जाता है बच्चे, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बोलिएगा अगर कोई एक्सपर्ट बंदा है तो। अगर ना है तो वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, और मैं जैसा करता हूँ आप भी कर सकते हैं ऐसा। बच्चे क्या किस तरीके से निकलेंगे मालूम नहीं, बट जो भी है बहुत अच्छा है और बर्ड जो है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और आपको दिखाना था, मैंने नया खरीदा है और आपको दिखा दिया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, और भी कुछ जिसका एक कॉलोनी बनाना है तो वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत बढ़िया साइज़ का कॉलोनी बनाना है, बहुत बढ़िया साइज़ का कॉलोनी, मतलब आई थिंक मेरे एरिया में इतना बड़ा कॉलोनी नहीं होगा बिजनेस का, मैं उतना बड़ा कॉलोनी बनाना चाहता हूँ। और अगर मैं कॉलोनी उतना बड़ा नहीं बना पाता तो मैं केज बाई केज का ही सिस्टम कर लूँगा, मतलब 1.5 by 1.5 का या 1.5 by 2 का केज का वन पेयर करके इंडिविजुअल केजेस में सेपरेट केजेस बहुत सारे केज फिट कर लूँगा, ऐसा करने का इरादा है, या फिर एक बढ़िया सी कॉलोनी, और देखते हैं मैं क्या कर पाता हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ रहिए और बोलिएगा कि मुझे इसके लिए कॉलोनी बनाना चाहिए या केज। बहुत से लोगों ने कॉलोनी की बात की है, देखता हूँ मैं क्या करना चाहिए। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।